हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो पे हम डेली स्किन केयर पे बात करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डेली स्किन केयर बिल्कुल सिंपल सा शेयर कर दें, मंथली और वीकली। मंथली मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मंथली स्किन केयर में फेशियल आता है और एक फेशियल किट का भी मैंने आपको रिव्यू दिया था। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो, आई विल मैंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू हैव टू चेक दैट लिंक फॉर डेली स्किन केयर, मंथली स्किन केयर। तो आज हम डेली स्किन केयर पर बात करेंगे। आई जस्ट केम बैक एट वर्क। आप कहीं से भी वापस आते हो तो आपके फेस पर थोड़ा बहुत मेकअप लगा हुआ होता है, तो फर्स्ट यू हैव टू क्लेंज योर फेस। सो अब चलते हैं हम सारे स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर करने पर डेली। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप होता है कि आप क्लेंज करें अपने फेस को, तो मैं क्लेंजिंग के लिए ये यूज़ कर रही हूँ एमके कॉस्मेटिक्स का क्लेंजिंग एवरीडे क्लेंजर। ठीक है, ये 100 ml की बॉटल है और इस पर रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, ये इसकी बॉटल ही तकरीबन मैंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, इसको कॉटन पैड की मदद से, ये कॉटन पैड भी मेरे ख़त्म ही होने वाले हैं, सारा स्किन केयर भी ना एंड पर। सो अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर और जितनी भी जनबला होगी वो इसमें निकल कर आ जाएगी। कॉटन पैड निकाल लेते हैं, मुझे मतलब दो लगते हैं मोस्टली, तो मैंने 3 निकाल लिए। अब इसको हटाते सारा जितना भी आपके फेस पर ऑयल, डर्ट, पॉल्यूशन जो भी कुछ जमा हुआ होगा इस पर आ जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करने का मेथड इस तरीके से होता है कि आपने इसको कॉटन पैड पर थोड़ा सा अमाउंट निकाला और इससे अपना फेस क्लेंज किया लाइक दैट। ये देखो अच्छी तरह से, ये देखो इसमें सारा डर्ट पॉल्यूशन, आपका मेकअप वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाता है और ये सेफ है आपकी स्किन के लिए, सारे स्किन टाइप के लिए आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम और हार्श नहीं है। आपको इसका अगर रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख लेना, इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से अपने फेस को क्लेंज करना है थ्रू क्लेंजर। ये देखो ये इसका हाल हुआ है कॉटन पैड का। इसमें मेकअप भी है, इसमें पॉल्यूशन भी है, इसमें डर्ट भी है, ऑयल भी है, ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है, अच्छा मेकअप और डर्ट तो हमारा हो गया रिमूव और ये कॉटन पैड का हुआ हाल। अब मैं एक साफ कॉटन पैड लेकर पूरे फेस पर फेर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस अमाउंट की क्वांटिटी है, जितना भी पॉल्यूशन है, डर्ट है, मेकअप रह गया है, तो वो सब कुछ निकल जाए। अब बाय द वे मैंने इस वक्त कोई फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ था अपने फेस पर, तो ये हाल हुआ है कॉटन पैड का। जस्ट एक टिंट लगाया हुआ था तो वो भी प्रॉपरली आपको क्लेंस करना है कहीं से भी आके, वरना आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत बुरी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखो अच्छी तरीके से मैंने अप्लाई किया और अभी भी इस कॉटन पैड का ये हाल हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, आफ्टर क्लेंजर मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ हिमालया का। ठीक है, इसके ये मैंने यूज़ इस करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इससे मेरे स्किन का पीएच लेवल बहुत 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 बेहतरीन हो गया। ठीक है, और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है एक्नी स्किन वालों के लिए, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी एक्नी स्किन है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इस फेस वॉश से अपना फेस वॉश करके आती हूँ और फिर फर्दर स्किन केयर करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया फेस वॉश से, और हमेशा फेस वॉश करने के बाद कभी भी आपने टॉवल यूज़ नहीं करनी, या तो आपने एयर ड्राई होने देना अपने फेस को, और हमेशा फेस वॉश करते हुए आपने ठंडे पानी का यूज़ करना है, कभी भी गर्म पानी से अपने फेस को वॉश नहीं करना। हमेशा ये मैं हर स्किन केयर की वीडियो में बताती हूँ, हेयर केयर की वीडियो में भी मैं अक्सर बात करती हूँ कि आपने जब भी कभी अपने बालों को वॉश करना है और अपनी फेस को वॉश करना है, यू हैव टू यूज़ द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मतलब जो नल में ठंडा पानी आ रहा होता है, वो वाला गीजर वाला पानी आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, सो इससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है और जितना भी मॉइस्चर वगैरह होता है रिलीज होने वाला वो रहता है, वरना आप गर्म पानी से अपने बाल वॉश करोगे वो भी डल हो जाएंगे और स्किन वॉश करोगे वो भी डल हो जाएगी। अच्छा, हमेशा आपने या तो एयर ड्रायर में देना अपने फेस को या टिश्यू पेपर से यूज करना है, टॉवल यूज नहीं करनी। खुदा का वास्ता टॉवल यूज करना बंद कर दें अपने फेस पर। हम जब टॉवल यूज करते हैं ना, तो टॉवल पे जितने भी जर्म्स होते हैं ना, तो वो हमारे फेस पर लगते हैं, तभी हमारे फेस पर एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। मेरी बहुत बहुत ऑयली स्किन है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक्नी कम होती है, बनस्बत जितनी लोगों को एक्नी हो रही होती है उनसे कम होती है। ठीक है,
तो थोड़ी बहुत टिप्स और ट्रिक्स होती है, उस पर अमल करके हम अपने फेस को बचा सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ। नाउ फर्स्टली आई हैव टू अप्लाई द फिजियो जेल का नॉर्मल थेरेपी, डेली मॉइस्चर थेरेपी, ठीक है। इस पर भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, आपको ईजिली मिल जाएगा वो रिव्यू। इसकी इतनी ही क्वांटिटी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इस वक्त गर्मियों का सीज़न है और मॉइस्चराइज़र हमेशा हर सीज़न में आपको अप्लाई करना ही चाहिए अपने फेस पर। सो ये मॉइस्चराइज़र बहुत 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 अच्छा रहा है मेरे फेस पर, तो इस वजह से मैं इसको मतलब आई कांट लिव विदाउट अ सिंगल डे विदाउट दैट मॉइस्चराइज़र, ठीक है। तो ये मैं अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पर, ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द सीरम, और ये वाला मैंने मल्टी एक्शन नाइट रिपेयरिंग सीरम बाय MK कॉस्मेटिक्स, इसमें नियासिनामाइड भी, हाइलुरोनिक एसिड भी और विटामिन B5 भी है। दीज ऑल थ्री इंग्रीडियंट्स आर योर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड, इस पर भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा चैनल पर रिव्यू मेरा। ये देखो, ये तकरीबन ख़त्म होने को आ गया, मैंने इतना इसको इस्तेमाल किया है। और ये आपने धूप में लगाकर नहीं निकलना है, ये आपने जब लगाना है जब आप घर पर रहो, ठीक है। आपने इसको बाहर लगाकर बिल्कुल भी नहीं निकलना है क्योंकि इसमें नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, और जब भी आप इस तरह के सीरम्स या एसिड्स यूज़ कर रहे हो यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर फेस बिफोर गोइंग आउट। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने विटामिन सी के जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वेंसे की, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि डालोगे ये हमारी स्किन, ये कंटेंट पेड है या समथिंग लाइक दैट। देखें, आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए उसके सारे डू एंड डोंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप डू एंड डोंट्स पता किए बगैर उस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो और आप लोगों को ऐसे लगता है कि आप कि स्किन डल से फ़ौरन ब्राइट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे, अगर आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, तो आपकी स्किन कोई ब्राइट शाइट नहीं होती, आपकी स्किन पर उल्टा असर होता है उन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। सो वी डन विद दिस नेचुरल एंड वेरी सिंपल डेली स्किन केयर रूटीन। आई होप यू गाइज एंजॉयड टूडेज वीडियो। इफ़ यू हैव टू, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।